और देखिए मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। मसूरी टिहरी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हुआ जिस पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर प्रशासन पहुंचा और अवैध निर्माण को हटाया गया। मसूरी टिहरी बस स्टैंड पर यह अतिक्रमण किया हुआ था जिसे आज प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ आज मसूरी में बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अवैध अतिक्रमण पर आज प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। मसूरी टिहरी बस स्टैंड पर यह अतिक्रमण किया हुआ था जिसे आज प्रशासन ने हटाया है। मौके पर जो लोग थे वो भी मौजूद थे और अतिक्रमण के खिलाफ अब यह अभियान की शुरुआत की गई है। शुरुआत इसकी हो गई है और लगातार ये कार्रवाई फिलहाल अवैध अतिक्रमण पर की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मसूरी से, किस तरीके से इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। और देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में विवाद लगातार हो रहा है और इसी को लेकर हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इस दौरान साधु संतों ने घटना की निंदा की है और सरकार से इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की भी मांग रखी है। संतों का कहना है कि इस तरह की कोशिशें हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए की जा रही है। काली माई का एक प्रतिमा का वो दिखाया गया सिगरेट पीते हुए, तो ये हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान जिन्होंने किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जिस भी जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जो कुछ बनाया है उस पर भारत सरकार को, जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है उसको रोक लगानी चाहिए और भारत में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। हम लोग अखाड़ा परिषद के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मॉनसून सीजन की शुरुआत होने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। अस्पतालों में खांसी जुकाम के सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। अकेले दून की अगर बात की जाए तो दून अस्पताल में ही हर दिन 150 के करीब मरीज आ रहे हैं। उधर बरसात के बाद डेंगू का खतरा भी अब बढ़ गया है। हालांकि अभी डेंगू के मामले देहरादून में सामने नहीं आए हैं। से ये मौसम बदल रहा है तो अभी वायरल इन्फेक्शन एकदम फ्लेयर अप हो रहा है। अभी जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ेगी, पड़ोसी राज्यों में भी काफ़ी हमने डेंगू, जॉन्डिस, चिकनगुनिया इनके केसेस बढ़ते देखे हैं। प्लस वायरल फीवर एक सडन पीक पे आया है, तो खुद सावधानी बरतनी इस समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसातों का मौसम ही अपने साथ बीमारियां अक्सर लेकर आता है और इसमें हिदायत बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर पौड़ी में मलीन बस्ती में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। दरअसल 100 से ज्यादा सुअर इस भयानक संक्रामक बीमारी की चपेट में है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने से ही सुअर की मौत का सिलसिला जारी है और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की इसमें पुष्टि हुई है। 100 से ज्यादा सुअर इस भयानक संक्रामक बीमारी की चपेट में अब तक आ चुके हैं। कम दृष्टिया वहां पर कुछ वायरल इन्फेक्शन का जो है हमें संभावना लगी, जिसको देखते हुए हमने जो मृत पशु थे उसका जो है सैंपलिंग करके हमने IVRI इज्जत नगर भेजा था उस सैंपल को और कल उसका रिपोर्ट आ गया है। उसमें जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है और ये एक वायरल बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिए हमने जो एहतियातन वहाँ पर बरतने हैं उसके लिए अपने सभी संबंधित कर्मचारी अधिकारी को जो है वो आदेश दे दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।